24 नवंबर 2009 को केविन के इतिहास में एक सबसे भयानक हादसा होता है। केविन यानी कि गुफाओं की खोज करना। ये एक ऐसा खेल है जहाँ पर सांस लेने की भी जगह नहीं होती और ऐसी तंग गुफाओं में घुस घुस कर उसकी खोज करना। और यही चीज 26 साल के जॉन जोनस अमेरिका के कूटा शहर में नट्टी पट्टी गुफा में करने वाले थे। लेकिन जॉन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी ही कब्र में खुद को ही दफन करने वाला था। 24 नवंबर के दिन रात के 8 बजे जॉन और उसका भाई जोस और उनके साथ 10 और मेंबर्स का ग्रुप नट्टी पट्टी नाम की गुफा को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। पहले का एक घंटा तो बहुत ही मजेदार रहा। गुफा के अंदर की सबसे बड़ी जगह बिग स्लाइड का पता लगाया। ये तो इतना आसान था कि उनके बीच में बहस होने लगी कि यहाँ सबसे पहले कौन पहुँचा था। इसी वजह से वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि गुफा की सबसे खतरनाक जगह जाने के लिए यानी कि बर्थ केनाल। बर्थ केनाल इतनी तंग जगह थी कि वहाँ बहुत ही कम लोग पहुँच पाते थे। सबसे आगे जॉन था और उसके पीछे उसका भाई जोस और ग्रुप के बाकी मेंबर्स थे। एक के बाद एक वे बर्थ केनाल में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाते ही गुफा दो दिशाओं में बढ़ जाती है और जॉन जोस जोस में लेफ्ट वाली गुफा में चला जाता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि वो जिस गुफा में जा रहा है वो बर्थ केनाल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पर इससे पहले कोई नहीं गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था गुफा का आकार और भी छोटा हो रहा था। उसको अपने हाथ पैर चलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। जॉन को पता लग गया था कि वो बहुत ही बुरी तरह फंस गया है। उसको जल्द से जल्द पीछे घूमने के लिए जगह चाहिए थी। आखिर में वो कोकस क्रू नाम की जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुंच पाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक 16 साल का बच्चा इसी जगह पर फंस गया था लेकिन वो सिर्फ 5 फुट और 7 इंच का था। इसके बावजूद उसको निकालने में 14 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। लेकिन जॉन तो 6 फीट का था और वो जब भी सांस लेने की कोशिश भी करता तब उसकी छाती फूलने की जगह नहीं थी। और वो देखता है कि सामने एक होल था और जॉन को लगा कि इसी होल की मदद से बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाएगी। इसी वजह से जॉन इस हॉल के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसको अंदर जाने के बाद पता लगता है कि वो हॉल तो एक डेड एंड था। जॉन एक 10x18 के हॉल में उल्टा फंस गया था। पहले ही हॉल छोटा होने की बदौलत वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था और ऊपर से ग्रेविटी ने पूरी सिचुएशन बद से बदतर बना दी क्योंकि उसका सर तो नीचे था और पैर उसके ऊपर की तरफ जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की ओर जा रहा था। 27 घंटों तक की इन्हें निकालने की नाकाम कोशिशें की गई। आखिरकार उसकी बॉडी तो नहीं निकली लेकिन उसका दम जरूर निकल गया।